हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टेटमेंट इयररिंग्स का रिव्यू। आप इनको स्टेटमेंट इयररिंग्स भी बोल सकते हो। हैंडमेड ज्वेलरी है ये और काफी ज्यादा ट्रेंडी है ये वाली इयररिंग्स, और मैंने इनको बाय किया है मीशो से। काफी अफोर्डेबल रेंज में बाय किया है। इनकी प्राइस काफी ज्यादा आपको हाई देखने को मिल सकती है, और कहीं पर आपको इसकी प्राइस बहुत कम भी मिल सकती है। सो उसकी प्राइस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कितने प्राइस में इसको बाय की है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन इसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ में छोटी सी बेल आइकन होगी उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब कभी मैं फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ ये दो इयररिंग्स का सेट है, और ये काफी ज्यादा ट्रेंडी है। आप देख सकते हो, आप देखकर ही समझ गए होंगे, इनके नेकलेस भी आ रहे हैं। मैंने इनको इयररिंग्स बाय किए हैं, और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद थे काफी टाइम से, बट इनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहती थी। कहीं पर आपको बहुत ज्यादा ये हाई देखने में मिलेगी इनकी प्राइस, एंड कहीं पर आपको कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। सो प्राइस भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी कितने कितने प्राइस में मैंने इनको बाय किया है मीशो से। क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। सो गाइस, सबसे पहले हम इस वाले इयररिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाइट कलर में है, एक आपको काफी सारे कलर्स मिल जाएंगे इनमें। आपको पिंक मिलेगा, ब्लू मिलेगा, काफी सारे कलर्स हैं। डिजाइनिंग भी काफी खूबसूरत है इनकी, और ये हैंडमेड है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट भी है। सो फर्स्ट टाइम ये वाले, ये कुछ इस टाइप के मुझे बॉक्स में रिसीव हुए थे। ये थोड़ा सा टूटा हुआ रिसीव हुआ था, मैंने इसको फिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने बस एडजस्ट किया हुआ है थोड़ा बहुत। सो कुछ इस टाइप के बॉक्स में मुझे रिसीव हुए थे ये वाले, और इस वाले के साथ कोई भी बॉक्स वगैरह रिसीव नहीं हुआ, जस्ट ये ऐसे ही रिसीव हुए थे मुझे एक पॉली बैग में ही। सो हम इन वाले से स्टार्ट करते हैं पहले। सो गाइस, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के बॉक्स में हैं, और ये व्हाइट, प्योर व्हाइट तो नहीं है, थोड़ा सा आप इसको ऑफ व्हाइट बोल सकते हो, क्रीम कलर में है। और इसमें जो इसके स्टोन्स वगैरह, आप इसमें पर्ल की डिटेलिंग दी गई है, जितना भी इसमें काम किया गया सारा पर्ल एंड सितारों का, स्टार का काम किया गया है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं गाइस। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इनमें शाइनिंग है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इनको हैंडमेड है बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। बैक साइड से आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, ये कागज टाइप, कागज भी नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। सो कुछ इस टाइप से स्टिक किए गए हैं, हैंडमेड ज्वेलरी है, बहुत देखने में तो ऐसा लगता है कितने ज़्यादा हैवी होंगे, बट इनमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप साइज़ भी देख सकते हो, साइज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, ज़्यादा ह्यूज भी नहीं है एंड स्मॉल भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। वियर करने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आपको इमेज में शेयर कर दूंगी कि वियर करने के बाद कैसे लगते हैं ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको इसमें ब्लैक कलर मिल जाएगा। सो गाइस, कुछ इस टाइप से हैं, आप देख सकते हो इनकी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इसमें काम किया गया है। आप देख सकते हो इसमें जो बीच में दिया गया है, इसमें स्टार्स का काम किया गया है, इनके चारों तरफ जो है वो पर्ल्स की डिटेलिंग दी गई है। इस टाइप से नीचे की तरफ आपको ये लेयर्स मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा प्रीटी लगते हैं वियर करने के बाद ये वाले इयररिंग्स। सो बैक साइड से कुछ इस टाइप से है, इसमें चिपकाया गया है इसमें, और ये इस टाइप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, हैंडमेड इयररिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रीटी लगते हैं। इसके नेकलेस भी आते हैं, सो मैं नेक्स्ट टाइम इसके नेकलेस ज़रूर परचेज करूंगी, मुझे ये इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए गाइज। अगर आप इनको बाय करना चाहते हो, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइज, जरूर इसको ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छे इयररिंग्स हैं ये। सो फर्स्ट ये वाले इयररिंग्स हैं। सो गाइस, सेकेंड इयररिंग्स जो है वो मैंने ये वाले परचेज किए थे, ये ब्लैक कलर में है और ये लॉन्ग में है। सो इसके साथ कोई भी मुझे आउटर बॉक्स रिसीव नहीं हुआ था, ये जस्ट मुझे ऐसे ही रिसीव हुए थे, और अगेन ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और इस टाइप से बहुत ही प्रिटी सी एक लेडी बनी हुई है इस पर कार्डबोर्ड पे। सो कुछ इस टाइप से हैं इयररिंग्स, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें आपको अगेन पर्ल की डिटेलिंग है, साथ में स्टार्स का काम किया गया है इसके बीच में। सो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसमें काम किया गया है। सो ये ब्लैक कलर में है, इसमें आपको व्हाइट भी मिल जाएगा, ये ब्लैक कलर में मेरे पास, और वियर करने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं गाइज। इमेज आपके साथ मैं साइड में शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं वियर करने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इतने लंबे हैं तो बहुत ज़्यादा इनमें वजन होगा, हैवी होंगे वियर करने के बाद, बट इनमें ट्रस्ट में बिल्कुल भी वजन नहीं है, बहुत ज़्यादा ये लाइट वेट हैं। अगेन इनका भी काम बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है। इसमें अगेन आपको इसमें पर्ल के साथ साथ स्टार्स मिल रहे हैं, और अगेन ये भी बैक साइड में कुछ इस टाइप से ही इसकी बनावट की गई है, आप देख सकते हो, और कुछ इसी टाइप से है, और इसमें भी आपको कुछ इस टाइप से ये पर्ल मिल जाएंगे नीचे लटके हुए बड़े वाले, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इयररिंग्स गाइस वियर करने के बाद ये। सो क्वालिटी अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ, इस वाले की लिटिल बिट हाई थी,
और उन वालों की थोड़ी कम थी। इनकी अगर आप मीशो पे सर्च करोगे तो आपको अलग अलग सेलर्स अलग अलग प्राइस आपको दिखाएंगे। आपको कहीं पर ये हाई में मिलेगा, हाई रेंज में, कहीं आपको ये लो रेंज में भी मिल जाएगा। आपको ये 200 तक भी पड़ने वाला है। अगर आप और सर्च करोगे तो और ज़्यादा महंगे भी मिल जाएंगे आपको ये 400। इसकी जो प्राइस है 400-500 समथिंग तक गई हुई है इसकी प्राइस जो है, जब मैंने इनको देखा था फर्स्ट टाइम। बट मैंने इनको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बाई किया है, आपको 200 रुपीज़ तक मिल जाएंगे इजीलिए। सो गाइस, अगेन मैं कहूँगी इनकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, इन दोनों की क्वालिटी। मुझे दोनों ईयर रिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई गाइस। इस वाले साथ कोई भी बॉक्स नहीं आया था, इस वाले साथ बॉक्स आया था। सो प्राइस आप देख चुके हो, काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल गया मुझे ये। अगर आप इनको बाय करना चाहते हो उसी सेलर से तो मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड कर दूंगी। डेफिनेटली गाइस परचेज कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे ईयर रिंग्स मुझे ये रिसीव हुए हैं। बिल्कुल भी कोई भी टूट फूट वगैरह रिसीव नहीं हुई है, और जैसे मैंने इमेज में देखे थे जो डिज़ाइन था वही डिज़ाइन मुझे रिसीव हुआ है मीशो से। सो कोड मैं आपको दोनों का प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा गाइज। गाइज ये था छोटा सा रिव्यू इन ईयरिंग्स के ऊपर। आई होप आज का रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।